हम यहाँ गुफा के अंदर आ रखे हैं, जहाँ से कहा जाता है कि पांडव लोग निकले थे। ओ, क्या कर रहे हो भाई? तो प्रणाम कहलियो, एक बार फिर स्वागत करना चाहूँ आप सबको आपका YouTube चैनल व्यूज 360 डिग्री में। तो हेलो दोस्तों, देहरादून दर्शन की सीरीज के 5वें एपिसोड में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं देहरादून से थोड़ा सा दूर लाखा मंडल क्षेत्र में, जो कि जौनसार भावर क्षेत्र के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देहरादून से 128 किलोमीटर दूर और चकराता से 35 किलोमीटर दूर मसूरी यमुनोत्री रोड पर यमुना नदी के किनारे एक विलेज है, जहाँ एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रचलित शिव मंदिर है, जहाँ 4 अलग अलग युगों की शिवलिंग पाई गई है और जहाँ कहा जाता है कि मुर्दे भी जिंदा आती हैं। तो उस जगह का क्या रहस्य है और उस जगह की क्या खासियत है, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। सुलाखा मंडल एक गांव है जो जौनसार भावर क्षेत्र में पड़ता है और देहरादून डिस्ट्रिक्ट का ये क्षेत्र है पूरा का पूरा। ये बहुत ही प्रचलित जगह है, आदिकाल से बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसका पौराणिक कथाओं में भी बहुत महत्व है। लाखा मंडल क्षेत्र पहुंचने के लिए आप देहरादून से भी जा सकते हैं, जहाँ से सेलाकुई से होते हुए डाक पत्थर में विकास नगर से बरकोट और विकास नगर मार्ग पकड़ के लाखा मंडल पहुँच सकते हैं। मसूरी के द्वारा भी यहाँ का रास्ता आता है, आप मसूरी से होते हुए भी जा सकते हैं। खूबसूरत पहाड़ों के बीच से होते हुए और यमुना नदी के किनारे किनारे जब आप इस स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे आप ये बोर्ड देखेंगे, आप यहाँ से अंदर जाइएगा लेफ्ट साइड में और फिर आपको जो पुल पार करेंगे सामने है, इस पुल को क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद राइट हैंड साइड पर आपको ये पांडवों की गुफा दिखेगी। इसे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप मेन लाखा मंडल के शिव मंदिर में पहुंच जाएंगे। तो मंदिर में पहुंचने का चले हम आपको मंदिर का महत्व बताते हैं और इस मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं। तो दगड़े हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और यहाँ से 100 कदम चलने के बाद हम मंदिर के द्वार पर पहुंच जाएंगे। तो लाखा मंडल की बात करें तो लाखा मंडल का अर्थ हुआ, जैसे लाख का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे अधिक संख्या में, और मंडल्स का मतलब होता है छोटे छोटे मंदिर या कह लें शिवलिंग्स। तो इस क्षेत्र में अलग अलग युगों में, जैसे मैंने आपको बताया था, 4 अलग अलग युगों में 125,000 से भी ज़्यादा शिवलिंग पाई गई है, छोटी छोटी मूर्तियाँ पाई गई हैं, आकृतियाँ पाई गई हैं, जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित रखा हुआ है और इस स्थान को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं और मंदिर के बारे में विस्तार में बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मंदिर इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ 4 युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की समय की शिवलिंग है, जो कि बहुत समय से यहाँ संरक्षित हैं और जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं। प्रसिद्ध हो गई, पुत्र की प्राप्ति भी मिल सकती है, ठीक है। फिर देखो, गणेश भगवान है, सूर्य भगवान है, काल भैरव है, शेष नाग है, विष्णु भगवान है, कई रूप अंदर है। फिर यहाँ पे 4 युग का लिंग है, ये सतयुग वाला शिवलिंग है जिसकी खोज गाय माता ने की, नदी पार से गाय माता आती थी, इस शिवलिंग के ऊपर दूध की धारा दे के परिक्रमा करके वापस जाती थी। तो चलिए पहले हम आपको मंदिर के गर्भगृह में ले जाते हैं, जहाँ सतयुग की शिवलिंग रखी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये सतयुग की शिवलिंग है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ भी हैं जो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं और उनमें उस समय के चित्र उकेरे गए हैं, जिनमें प्रमुखतः विष्णु भगवान, काल भैरव, भैरवनाथ और बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं।
जिन मूर्तियों में कुछ मूर्तियां जो है पत्थरों पे उकेरी गई हैं और जो कुछ है वो तांबे की मूर्तियां हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी मूर्तियां हैं और जो हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने संरक्षित करा हुआ है और एक ये प्राकृतिक संरक्षित धरोहर घोषित किया हुआ है। तो दोस्तों माना जाता है, जैसे कि पंडित जी भी बता रहे थे, कि ये जो मंदिर है यहाँ पे जो सतयुग की शिवलिंग है इसे एक गाय ने खोजा था। वो गाय यमुना पार से पहाड़ी चढ़ के आती थी और प्रतिदिन इस शिवलिंग पे जल अभिषेक करती थी, अपने दूध से अभिषेक करती थी और इसकी पूजा करके परिक्रमा करके यहाँ से प्रतिदिन जाया करती थी। तो इसी तरह लोगों ने गाय को देखा कि गाय कहाँ जाती है प्रतिदिन, और फिर इसी तरह से उस समय के जो लोग थे उन्होंने इस मंदिर को खोजा। तो माना जाता है कि इस मंदिर की, इस शिवलिंग की जो खोज थी वो गाय माता ने करी थी। ये है सतयुग का, अंदर है सतयुग का, उधर कुटिया के पास है कलयुग का, जिसमें जल डाल के अपना चेहरा देखो वैसा शिवलिंग है। कुटिया के पास आगे ये जो हरा रंग का शिवलिंग है वो द्वापर युग का है, जब कृष्ण भगवान जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। और एक यहाँ पर ये लाल रंग का शिवलिंग जो है ये त्रेता युग का शिवलिंग है, जब राम भगवान जी का अवतार हुआ था त्रेता युग में। और जो कलयुग का शिवलिंग है वो दूसरी तरफ है, जिसमें आप जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें आपको आपका प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन साफ साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों जैसे हर मंदिर में परिक्रमा करना आवश्यक होता है, तो चलिए हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ आपको मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं, इसकी शैली के बारे में, इसके निर्माण के बारे में। तो दोस्तों जब पंडित जी बता रहे थे कि ये जो मंदिर है इसके प्रत्येक पत्थर पर माँ पार्वती जी के निशान और गाय के जो खुर होते हैं यानी कि उसके पैर उसके निशान हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ईजिली देख सकते हैं। और ये जो मंदिर है ये नागर शैली में बना हुआ है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। उत्तर भारत के जितने भी पुराने मंदिर हैं वो सभी नागर शैली के मंदिर हैं। जो नागर शैली के मंदिर होते हैं उसके जो पीछे का हिस्सा होता है यानी कि जो गर्भगृह होता है उसमें चकोण वाला एक गुंबद होता है बहुत ऊंचा सा, और फ्रंट की साइड एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसमें आने जाने का रास्ता होता है, यहाँ पे जहाँ पे हवन कुंड या फिर जितने भी पूजा पाठ से रिलेटेड कार्यक्रम होते हैं वो किए जाते हैं। आप देख पा रहे हो मंदिर में बहुत सारी देवी देवताओं की पुरानी पुरानी मूर्तियाँ, बहुत सारे छोटे बड़े अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं जो कि यहाँ खुदाई के दौरान पाए गए थे और जो कि बहुत ही प्राचीन माने गए हैं। इसी तरीके के करीब करीब 125,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो शिवलिंग है और जो पुरानी मूर्तियाँ हैं वो पाई गई हैं। और इस मंदिर में अक्सर प्रतिदिन हवन और जितने भी पूजा पाठ के कार्य वो होते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो गढ़वाली ढोल है जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है वो बजाया जा रहा है, जिसकी बहुत ही मधुर ध्वनि से आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और आप यहाँ पे इस खूबसूरत पहाड़ियों के बीच इस खूबसूरत मंदिर का आनंद भरपूर ले पाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आर्कियोलॉजिकल साइट है मंदिर की, यहाँ पर जाना मना है। तो माना जाता है यहाँ पर दुर्योधन ने एक लाक्षाग्रह बनवाया था यानी लाख का महल बनवाया था, जहाँ उसने पांडवों को भेजा था रहने के लिए ताकि वहाँ उनकी वो हत्या कर सके, उन्हें मार सके। और वहाँ से वो लोग बच के निकल गए थे सुरंग के रास्ते, जो कि अंडरग्राउंड सुरंग थी जो सड़क के पास हमने आपको दिखाई थी। और उसी सुरंग से पांडव लोग जो थे वो स्वर्गारोहिणी गए केदार धाम, और वहीं से उन्होंने अपनी स्वर्ग की यात्रा शुरू करी। तो वो उस सुरंग के रास्ते वहाँ से निकल चुके थे। और यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत सारी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं, छोटे बड़े शिवलिंग हैं, अनेकों प्रकार की आकृतियाँ यहाँ पर हैं जो कि दर्शाती है कि यहाँ पर महल हुआ था, एक समय पर हुआ करता था। कहा जाता है जब राजा दक्ष ने यज्ञ उष्ठान किया था तो उन्होंने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं और सभी राजा महाराजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया था, बुलाया था, लेकिन सिर्फ सती माँ को, अपनी पुत्री को और उनके जो दामाद शंकर भगवान जी को उस यज्ञ में नहीं बुलाया था। ये जानने के बाद जब सती माँ वहाँ यज्ञ में जाने की जिद करने लगी तो शंकर भगवान ने कहा कि मत जाइए देवी, भगवान के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती माँ नहीं मानी और वो उस यज्ञ में गई, जहाँ उनका बहुत अपमान हुआ। और तब उन्होंने उसी यज्ञ के हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी और सती हो गई, जिसके बाद शंकर भगवान बहुत क्रोधित हुए और फिर उन्होंने अपना शरीर मला और वहाँ वीर और भद्र भगवान को उत्पन्न किया। सतयुग में इनका रूप वीर और भद्र था। फिर त्रेता युग आया, रामचंद्र जी का अवतार हुआ, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय। फिर द्वापर युग आया, कृष्ण भगवान जी का अवतार हुआ, द्वापर युग में इनका रूप है द्वार और पाल। और अब कलयुग में इनका रूप है देव और दानव। ये देव हैं, इनके सर पे हीरे मोती का मुकुट है
और ये जो दानव है इनके सर पे मसान का निशान है। और माना जाता है कि यहाँ पर जो 24 गांव की पट्टी थी जिसको बौंदुर पट्टी कहते थे, तो इस स्थान में जो भी कोई मरता था, कोई भी दिग्गज मरता था, तो उसकी जो डेड बॉडी होती थी, उसके मृत शरीर को यहाँ पर लाया जाता था। पंडित जी अपने घर से गंगा जमुना का जल लेके आते थे, कुछ थोड़ा सा दूध और कुछ थोड़ा सा भात लेकर आते थे, और मंत्रों द्वारा गंगा जल का छिड़काव करके उस मृत शरीर को कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए जीवित कर देते थे, फिर अपने हाथों से उसको दूध भात खिला करके और फिर उनको मोक्ष के लिए तैयार करते थे। तो इस तरीके से तभी कहा जाता है यहाँ पर कि इस स्थान पर मुर्दे भी जीवित रहते थे, जो कि एक मान्यता है, एक कहावत है। और ये जो सामने आप शिवलिंग देख रहे हैं, इस शिवलिंग की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था, और जो इसके चारों तरफ ये चार मठ बने हुए हैं, इस पर भी चार छोटी छोटी शिवलिंग हुआ करती थी, जो कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की शिवलिंग हुआ करती थी, जो उन्होंने स्थापित करी थी। तो इस स्थान पे पांचों भाइयों द्वारा शिवलिंग स्थापित की गई थी, जिनमें से चारों भाइयों की छोटी शिवलिंग है उसे स्टोर रूम में समा दिया गया है, और ये जो बड़ी शिवलिंग है युधिष्ठिर द्वारा स्थापित की गई, ये अभी भी इसी स्थान पर है। और इस स्थान पे जो पांडव थे वो प्रतिदिन शिवजी भगवान की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया करते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मंदिर के पिछले हिस्से में लेके चलते हैं, जहाँ पे एक कलयुग का शिवलिंग है और एक बाबा जी की कुटिया है। तो इस प्रांगण में बाबा जी की कुटिया है, जिनके समीप ही कलयुग का जो शिवलिंग है, पारदर्शी शिवलिंग, वो रखा गया है। और इस शिवलिंग के बारे में पूरी जानकारी और इस लाखा मंडल क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी विस्तार में इस बोर्ड पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर ये पारदर्शी शिवलिंग है, इसका कहते हैं कि ये 50-60 साल पुरानी शिवलिंग है। ये पहले जमीन के अंदर हुआ करती थी, और इस गांव के एक व्यक्ति को सपना आया, तब जाके उन्होंने इस शिवलिंग को खोदा और यहाँ से शिवलिंग को बाहर निकाला, और तब से शिवलिंग इसी स्थान पर स्थापित है। तो आप देख पा रहे होंगे शिवलिंग कितना क्लियर है, जैसे हमने इसमें जल चढ़ाया तो कितना ज़्यादा साफ रिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसीलिए शिवलिंग का नाम पारदर्शी शिवलिंग रखा गया है। यहाँ पर बाबा जी के पास द्वितीय शताब्दी यानी सेकंड सेंचुरी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, उसका फोटो है, जिसमें पाषाण भाषा में कुछ लिखा गया है जो कि पढ़ना मुश्किल है, और जो ओरिजिनल अभिलेख है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास संरक्षित है। तो चलिए दोस्तों, हमने मंदिर के तो पूरे दर्शन कर लिए हैं, आपको सभी चारों युगों की शिवलिंग दिखा दिया है, उनका महत्व, उनकी कथा थी, जो भी उनके पीछे का रहस्य था, वो सब हमने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मंदिर परिसर से प्रस्थान करते हैं और आपको ले चलते हैं उस पांडव गुफा में, जिसके लिए ये स्थान बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो चलिए, हम आपको उस गुफा की ओर ले चलते हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, पांडवों की वो गुफा जिसके द्वारा वो लोग स्वर्गारोहिणी गए, और इसी गुफा के द्वारा वो लोग जीवित बचे थे लाक्षा ग्रह के जो षड्यंत्र था। तो चलिए, हम गुफा के अंदर प्रस्थान करते हैं और आपको गुफा विस्तार में दिखाते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे गुफा में यहाँ पे बाबा जी रहते हैं, जो हमेशा यहीं रहते हैं, और वो इस गुफा की रखवाली करते हैं, इस गुफा की देखरेख करते हैं, और इनसे टीका लगवाने के बाद, इनसे आशीर्वाद लेने के बाद, हम अंदर गुफा की तरफ ले चलते हैं और आपको गुफा दिखाते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गुफा बहुत अंधेरा है, यहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं प्रशासन द्वारा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो गुफा आपको क्लियर नहीं दिखेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा गुफा क्लियर दिखाए। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लोग पूजा वगैरह भी कर रहे हैं, और गुफा जो है पूरी पत्थर की गुफा है, और बहुत ज़्यादा इसमें अलग अलग सुरंगें बनी हुई है, अलग अलग तरफ से मुड़ी हुई है। हम यहाँ गुफा के अंदर आ रखे हैं, जहाँ से कहा जाता है कि पांडव लोग निकले थे जब लाखा मंडल के गृह में आग लगी थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गुफा बहुत पतली है, बहुत संकरी है और बहुत लंबी है। अभी तो अंधेरा है यहाँ, तो अभी दिख नहीं रहा अच्छे से, लेकिन बहुत लंबी गुफा है,
सभी पांडव इसी रास्ते से निकले गए थे और पूरी पहाड़ को काट के बनाई गई गुफा है। पत्थर है इसमें, देखिए मिट्टी है, काफी लंबी गुफा है। यहाँ एक साधु बाबा जी भी बैठते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि देहरादून दर्शन सीरीज़ की जितने भी अदर एपिसोड्स हैं वो आप लोग देख सकें। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।